हेलो दोस्तों, आज हम आपको कार्यालय आदेश ऑफिस ऑर्डर के बारे में समझाएंगे कि ये किस प्रकार से होता है और किसी फॉर्मेटिंग किस प्रकार से की जाती है। हमारे सामने ये कार्यालय आदेश का फॉर्मेट दिया गया है। इस फॉर्मेट को आप देख लीजिए एक बार कि ये किस प्रकार से सेट होता है। दोस्तों, हम इस ऑफिस ऑर्डर के बाद इसकी एक्सरसाइज भी करेंगे। दोस्तों, LDC एग्ज़ाम हाई कोर्ट में कुछ इस प्रकार से हमारे सामने लेटर दिया जाएगा, जिसकी हमें फॉर्मेटिंग करनी है। तो सबसे पहले हम इसकी फॉर्मेटिंग करने के लिए इस पूरे लेटर की को सिलेक्ट करके कॉपी करेंगे और इसको ब्लैंक पेज पर पेस्ट कर देंगे। अब हम इसे ऑफिस ऑर्डर के फॉर्मेट में जमाएंगे। सबसे पहले कार्यालय का नाम को सिलेक्ट करके कट कर देंगे और ऊपर जाके पेस्ट कर देंगे। उसके बाद हमें ऑफिस ऑर्डर को कट करेंगे और डेट के लास्ट में कर्सर लगे इंटर देंगे और पेस्ट कर देंगे। एक बार बैक स्पेस करेंगे और फिर नाम व पद को सिलेक्ट करेंगे और राइट क्लिक करेंगे। फिर एक बार और दोबारा से सिलेक्ट करेंगे और राइट क्लिक करेंगे। उसके बाद हम उसकी दोबारा सेटिंग करेंगे, सेंटर करके इसकी साइज 18 करके इसको बोल्ड कर देंगे एवं ऑफिस ऑर्डर को सिलेक्ट करेंगे, फिर सेंटर करेंगे, फिर इसकी साइज 16 करेंगे और बोल्ड करेंगे और अंडरलाइन कर देंगे। इसके बाद एक बार इसमें टैप देंगे, फिर सिलेक्ट करेंगे और जस्टिफाई कर देंगे। फिर नाम व पद को सिलेक्ट करेंगे और बोल्ड कर देंगे। फिर एक बार ही सिलेक्ट करेंगे नाम और पद को एवं इसकी लाइन स्पेसिंग 1 कर देंगे और इसको भी बोल्ड कर देंगे। तो दोस्तों, आप देख लीजिए, हमने पूरी फॉर्मेटिंग कंप्लीट कर ली है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल ओलीजर को और बेल आइकन के बटन को दबाइए। धन्यवाद दोस्तों।